शांति ओम शांति बोल में बैठे हैं बाबा बाबा सामने खड़े हैं चक्कर सामने दिखाई पड़ता है या बाबा तपस्या में बैठा है या मैं करा है बाबा चक्कर की याद दिला रहा है तो सैलेज में बैठे आप लोगों का को को कोई क्वेश्चन तो उठाऊंगा क्या आज ओम शांति पर हमने क्या सुनेंगे क्या सुनाएंगे मैं कहेंगे क्या सुनाएंगे देखेंगे क्या सुनाएंगे ऐसे नहीं शांत में बैठ के क्या सुनाना है ये नहीं सोचेंगे बैठे ये सोचना है क्या सुनाना है तो शांति का परवाह नहीं रहेगा पर ओम शांति भवन आने के पहले सोचना है तो क्या सुनाना है शांति भवन में आना माना सब स्मृतियां आती है स्थान की का मैं तो स्थान का महत्व बहुत है कहाँ जा रहे हैं जहाँ बाप दादा की कितना बारी 83 से 83 से है ना, ऐसे है ना कितना सुख पाया हुआ है कितनी सेवाएं हुई है तो पहले स्थानीय पांव रखते खेचता है कहा बैठे है कमाल है बाबा आपकी हमको बच्चा अपना बच्चा बना है हमारे लिए कितना क, कैसे हमारी पढ़ाई होवे किसमें उसमें कमाई होवे इनके भविष्य इतना ऊंचा बने कितना भगवान के पास प्लान है हमारे लिए प्रैक्टिकली so आंखें देख रही है अनुभव कर रही है सर so हमारी ये आंखें जो है ना देख देख अनुभव करते देखते अंदर अपने से पूछते मेरे अंदर क्या है मेरे अंदर खोल के देखे अंदर मेरे क्या है अंदर भगवान के बोल भगवत और गीता माँ बात नहीं माँ बात की युद्ध चल रही है उस टाइम में गीता ज्ञानदाता का ज्ञान और भागवत चरित्र तो हर एक बाबा कहते हैं तुम तो बाप आज बाबा ने कहा शिव बाबा ने कैसे ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए ब्रह्मा हाँ, पहले ब्रह्मा पर ब्रह्मा द्वारा एडप्ट किया ब्राह्मणों को हम हाँ, ब्राह्मण है अंदर में अंदर से है भक्ति में ब्राह्मणों की भारत में भावना ब्राह्मणों के लिए बहुत है जो और धर्मों में नहीं है भारत में ब्राह्मणों के लिए के बगैर कुछ आगे पर जन्मते भी ब्राह्मण चाहिए शादी करते ब्राह्मण चाहिए मरने में ब्राह्मण चाहिए कोई कथा करना ब्राह्मण चाहिए सब में ब्राह्मण चाहिए ओ क्यों ब्राह्मण ने संगम पर सेवा बहुत अच्छी की है, है। ब्रह्म कह ही शेवा धारी शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा बाबा के ने एडाप्ट किया जैसे खुद समर्पण हुआ बाबा शिव बाबा ने इसको कराया पर ये कितना भगवान के पास तो प्लान इसमें आवे इनसे समर्पण कराए यज्ञ रचे पर यज्ञ में ब्राह्मण सेवा करे एक सेवा कर रहे हैं पर भविष्य देवता पद पाने के लिए देवी गुण में सम्पन्नता अभी आ जाए उसके लिए बाबा ने कितना अच्छी समझ दी है ईश्वर से परमात्मा से उनके गुण वर्ष में ले लो गुण वर्ष में लेने के लिए शक्ति चाहिए क्या शक्ति भी मैं देता हूँ गुण धारण करने की शक्ति बाबा देता है कभी आप पुरुषार्थ करते होंगे कई अच्छे अच्छे गुण है जो हमारे में आज जाए तो बहुत अच्छा है परंतु परंतु कमजोरी कोई ऐसी है जो गुण धारण करने नहीं देती है अच्छे गुण धारण करने के लिए कमजोरी धारण करने नहीं देते हैं तो अब अच्छी तरह से हमारी कमजोरी को भी खत्म करने की शक्ति देता है जो बच्चे गुण धारण कर सके ईश्वरी गुण है कोई मनुष्य के गुण नहीं मनुष्यों में गुण अच्छे हैं, पर वो मनुष्यों के हैं। उसमें अभिमान है भले कितने भी मनुष्य अच्छे हैं, पर गुण का अभिमान है वो गुण अच्छा नहीं है वो मेरे को कोई शक्ति नहीं देगा थोड़ी गहरी बात मुझे ख्याल में आ रही है, है। कई बार कभी कभी हम लोगों के मुख से ये भूल हो जाती थी इन ज्ञानी से अज्ञानी अच्छा कभी ये मुख से किसके शब्द निकल आता था ताज याद है इस ज्ञानी से ये जो ज्ञानी है ना इनसे अज्ञानी अच्छा है गुण तो अच्छे है उसमें इसमें कोई गुण नहीं है मामा ने कान पकड़ा होगा क्या बोला तुमने ये फिर भी ब्रह्मा बाबा का बच्चा है इसने जो परमात्मा को बाप माना है बच्चा बन करके के बच्चा बन करके के स्टूडेंट बनकर सीख रहा है उनसे वो अच्छा है जिसको पता भी नहीं भगवान कौन है और जानने की इच्छा भी नहीं है वो अच्छा है क्या उस जानने की इच्छा भी नहीं है वो अपने नशे में है दुनिया उसकी मेहमान कर रही है साधु है महात्मा है या कोई जो धर्म का नेता है कोई राज्य के नेता उसमें नशे में है हम कहें वो अच्छा है उनसे सूख्य अंदर जाए इच्छा कुछ भी ना रहे पर अच्छा कैसा बनना है वो हमारे पास क्लियर पिक्चर होनी चाहिए मुझे अच्छा बनना है तो किसका कितना अच्छा मैं अच्छा हूं नहीं पर इच्छा भी नहीं अच्छा भी हूं ये भी नहीं कोई इच्छा भी नहीं पर मैं अच्छी हूं ये भी नहीं है पहले से तो अच्छी हूं ना इनसे तो अच्छी हूं ना ये भी नहीं मैं कौन हूं कैसी हूं बड़ा अंदर ही अंदर है अपन को देखने के लिए आंख चाहिए और आईना आएन, आईना चाहिए आईना हो आंख न हो आंख हो आईना न हो हाँ। मेरे पास आईना है पर देखने की आंख नहीं है आंख है पर आईना नहीं है आंख भी चाहिए आईना भी चाहिए अपने आप को आईने में देखने से, से पता चलता है मैं कौन हूं आईने में पता चलता है मैं कौन हूं अंदर से तीसरे नेत्र से देखू मैं मैं कौन तीसरे मैं कौन हूं जो बाबा की साकार मूली हर मुल्य बच्चे दई मानी बनने की मेहनत है अभिमानी स्थिति में रहने की जो स्वेच्छा बड़ी तीवर चाहिए जो पता चले आईने में तीसरे नेत्र खोल के आईने पता चले कितना देह अभिमान से मुझे छुटकारा मिला है किसी प्रकार से भी देह अभिमान मेरे ऊपर घेराव करके तो नहीं बैठा हुआ है देवबान एक घेराव करता है दूसरा अंदर से खींचता है अपनी तरफ खींचता है अच्छा समझा के अच्छा बनमान करके मुझे अच्छा बता करके तुम अच्छे अच्छे अच्छा करके खींचता है न खेचे न मेरे को घेराव करे इतना अपने आप को अंदर से देखने की आंख खुली रहे तीसरा नेत्र खुला रहे और आई ना साफ हो शीशा साफ रखते हैं बैर वाल अच्छी तरह से हम दिखाई पड़े बैर रोशनी आवे रोशनी आवे सिर्फ पर आईने से रोशनी नहीं आती है आईने से रोशनी आती है शीशे से रोशनी आएंगी खिच क्यों रखते हैं आईने से क्या दिखाई पड़ता है अपना आप दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है उसके पीछे क्या है उसमें मेरा मतलब ही नहीं है तो हमेशा मम्मा बाबा को सामने रखो ना तो वो कैसे अपने आप को देख 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 तक लक्ष्मीनारायण बन गए अपने आप को देखते 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 हमको भी देख रहे हैं बनाने के लिए पर खुद को कभी देखना इतना जो नार्द का मिसाल है अपन को देख तो सही लक्ष्मी नारायण जैसा बनने लायक हूं, या झांझ बजाने में बिजी हूं नार्द पवन ने कहा श्रोमरी भगत है नारद बरा भगत है क्यों सारा दिन उसके जान जात में है सबको बताऊं भगवान वैंकुर लेके जा रहा है तुम चल लेके सब बहाने बनाते हैं पर सब बेचारा सबको ये संदेश देता रहता है पर खुद को देखने की फुर्सत नहीं है उसको तो ध्यान खींचवाते अपन को देख तो सही तो अभी दो, बाकी कितने दिन है बाबा आ रहा है होमवर्क मिला है, है। अपन को सबने क्या देखा कितना देखा कैसे जाना बाबा से क्या पाया है हाँ। या आईने में देख रहे हैं पर ये बाबा से पाया है वो यूज भी कर रहे हैं हम रखती नहीं हूं बहुतों के पास सिंगार बॉक्स है ही है होंगे ना सिंगार करने का तो एक तरफ यही रखा, रखा है एक तरफ आईना रखा है देखेंगे सब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आईने के कैसे पता चलेगा टीका भी लगाएंगे तो आईने में होंगा और ये भी ऐसे कोई हमारे संगम जो के नियम है ब्राह्मणों को टीका कोई नहीं लगा सकता ब्राह्मण औरों को टीका लगाते हैं पता है ना भारत में ब्राह्मण को कोई खितरी टीका नहीं लगा सकता गृहस्थी टीका नहीं लगा सकता हाँ ब्राह्मण औरों को टीका लगाते हैं तो विजय का जो तिलक है ना हमको अपने आप को आप लगाना है कोई नहीं लगाएगा मेरे को विधि पूर्वक है अपने आप को विजय का एक है विजय का तिलक दूसरा स्वाग का तिलक तीसरा राज्य का तिलक जो राजगजी पर बैठते है ना तिलक लगाते हैं स्वागन है ना उसको तिलक है भाई इसका है पति है विजय हमारी हुई पे रही है वो भी तिलक लग लगा पड़ा है निश्चय का तो ब्राह्मण लाइफ हमारी कितनी श्रेष्ठ लाइफ है तो लगता है ब्राह्मण लाइफ में हमको कभी बचपन भूला नहीं ना भूल सकता न भूला नहीं है कभी सवेरे से रात तक ईश्वरी बचपन के जो संस्कार बने हुए है बचपन के संस्कार बने हुए हैं ईश्वर का बच्चा हूं इसमें शरीर के आयु का क्वेश्चन नहीं है, है? स्टूडेंट हू कितने साल से पढ़ती आ रही हूं अभी तो पढ़ना ही है जहां तक आत्मा शरीर में है ना स्टूडेंट लाइफ है मामा बाबा को देखा है ये भी मामा बाबा को देखा है सीखने की भावना है सिखाने वाला कौन है उसके लिए रिस्पेक्ट है सिखाने वाले के लिए बड़ा रिस्पेक्ट है सिखाने वाले के लिए रिस्पेक्ट है माना जो नॉलेज है ना उसके लिए मुझे ये नॉलेज कितनी ऊंची है तो सेल्फ रिस्पेक्ट बैठता है पर औरों के दिलियों में उसके लिए रिस्पेक्ट पैदा होता है अच्छा स्टूडेंट जो नहीं है जिसका अच्छा पराय में ध्यान नहीं है उसके लिए यज्ञ की हिस्ट्री के अंदर उनके लिए रिस्पेक्ट पैदा नहीं होता है अच्छा है ठीक है बैठा है पर जिसको पढ़ाई से और पढ़ाने वाले के लिए रिस्पेक्ट नहीं है न सेल्फ रिस्पेक्टेट है न कहाँ से रिस्पेक्ट पैदा हो सकता है बाबा ये एक बता दो आईना और आंख दोनों काम की बात चीजें है त्रिनेत्री बनाया है बाबा ने त्रिकादर्शी बनाने के लिए पहले त्रिनेत्री हो आईने में देख देखती हूं मैं त्रिकादर्शी हूं आईने में अपने आप को शिकल के देखें त्रिकादर्शी हूँ आदि मध्यन के नॉलेज अनुसार संकल्प वाणी कर्म है त्रिनेत्री बने देखने के लिए त्रिकादशी बने समझने के लिए पर पराने वाला ऊपर वाला काश परमात्मा परमात्मा इशारा करता है अपने घर से आए हो आज की मूली है पांच तक का चोला यहां धारण करके पार बजाया है वहां ये चोला नहीं होता है इतनी जो घर की समझ मिली है जो भी कोई भी धर्म पिता नहीं दे सकता परम पिता जो वहां का रहने वाला है जो गाइड बन के आया है ले जाने के लिए वही कहता है तुम घर को जाकर तो घर देख तो मुझे घर की स्मृति है जिसको घर की स्मृति आई ना फर्ट से समेटना समाना और सफल करना फौरन उसका ये काम होगा घर जाना समेटना, फ्री हो जाना समा लेना सफल करना अगर अभी समेट फैला रहे हैं समेटने का संकल्प ही नहीं है अभी तो वो कौन हुआ तो ये हमारे मम्मा का ऐसे ग्रस्थी ग्रस्ती नेचर को फैला हुआ चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए बड़ा अच्छा अब डायरेक्शन में ला हुआ है बाबा का रहो गृहस्थी में प्रवृत्ति में रहो न्यारे माना अपने ग्रस्ती नेचर जो है ना बाल बच्चे घर कुटुंब परिवार आगे पीछे का सोचना कल क्या होगा मेरा क्या होगा बच्चों का क्या होगा ये जो ख्यालात है कमल फूल बने नहीं देंगे पढ़ाई है कमल सम रहने की गुलाब का फूल बनने की पढ़ाई क्या है हरे को जहां भी है कमल फूल सम न्यारे रहने की जो है ना जो पानी का है तो उस वातावरण बाहर का ऐसा ही है ना, वो छींटा ना पड़े ब्राह्मण हूं छींटा भी नहीं पड़ सकता स्वच्छता संकल्प में दृष्टि में वृत्ति में चलन में चेहरे में वो श्रेष्ठ ब्राह्मण का में भावना बहुत हो जाती है श्रेष्ठ ब्राह्मण जो ब्राह्मण हर प्रकार के बोल चाल दृष्टिवृत्ति तो सामने आएंगे ना भावना बैठ जाती है वो कुछ बोले ना बोले कई बार ये दो तीन साल पहले की बात करती हो शायद दो साल दादी और हमारी चलती थी आखरा दादी के मुख से भी एक ही बात ये सारी भावना पर आकर बात हो गया है सारा इतना यज्ञ चल रहा है कई आत्माओं की अच्छी भावना से यज्ञ चल रहा है या इतने पवित्र वायुमंडल में मनुष्य के अंदर की भावना अच्छी बन जाती है श्रेष्ठ बन जाती है अंदर की भावना चेंज हो जाती है सच्चे झूठ पता चल जाता है झूठ को कर सच्चाई को धारण करने की भावना पैदा हो जाती है जैसे आज बाबा ने कहा भक्ति में होता है भावना भावना भक्ति में भी है पर उसकी गणेश में भावना है तो भगवान खुश करने के लिए गणेश का साक्षात्कार कराता है हनुमान का भगत है हनुमान का साक्षात्कार कराता है भगत खुश हो जाता है हनुमान को देख करके या कोई देवी का साक्षात्कार करा देता है उन देवी से कोई अनुभव हो जाता है कामना पूरी हो जाती है पर अभी जो भगवान हमारे में जो भावना हमारे पैदा होती है अल्पकाल की प्राप्ति के लिए नहीं थोड़े समय के लिए खुश हो जाऊं तो एक बारी मुझे याद ने पता ही बाबा के मुख से सुना है या कुछ भी एक है देवता बनने के लिए धुन में लगे हुए है दूसरे, दूसरों को बनता हुआ देख खुश होते है समझा मेरी बात एक है अंदर से उनको ये है, मैं कंप्लीट अच्छा सच्चा बाबा जैसा करते पूजा करानी नहीं है पर ऐसी क्वालिटी गुण तो आ जावे विशेषता तो आ जावे बाबा इतना श्रृंगार कर रहा है दूसरा उसका श्रृंगार आवाज़ देख खुश होते है चलो ये भी अच्छा किसको श्रृंगार करते खुश हो जाते हैं समझा एक सिंगार करने वाले दूसरा देखने वाले तीसरा जिसका हो रहा है मैं कौन हूं हमने एक बार आपको कहा था कोई दिन आप सुबह से रात तक और कुछ न सोचो सरे मैं कौन हूं एक घंटा भी मैं कौन हूँ और सब बातों समेट के सब छोड़ के बिल्कुल जैसे कि मैं कौन बड़ा मजा आएगा आंख खुली रहेंगी आईने में दिखा पे रहेंगा पर बाबा अच्छा दृष्टि देख करके देख कैसी हो तो बची मेरी हो कल पहली वाली हो पर मैं देखू मैं कौन हूँ क्या सत्य से? सिर्फ एक घंटा दो घंटा रस बैठेगा ना अब दिल करेगा ये ये तो बड़ा अच्छा तरीका है अपने आप को समझने का चेंज करने का बस इतनी बात है बड़ी बात नहीं है मैं कौन हूँ आईना साफ होता जाता, अपन दिखाई पड़ता है तो हम ऐसे उसमें बैठ जाते हैं ना पहले बच्चे का मां बाप खुद श्रृंगार करते हैं छोटे है बच्चे पर बच्चे जब बड़े होते तो माँ बाप देखते कैसे बच्चा पी सिंगा करते, करते बालापी बनाए ना माँ कब तक बनाएगी इस्न पहले बच्चों को माँ बाप करेंगे पर आप ही पानी करके तैयार हो जाओ रहा इतना तो अकल हो ना किसके बच्चे है अभी आजकल के पुरसाद के तरीके भिन्न भिन्न है शुरू के जो तरीके हैं ना बड़े अच्छे लगे हैं हमको और जो उस तरीके से जिन्होंने अपने पुरसाद किया है ना उनके अंदर से कभी नीचे ऊपर अवस्था नहीं होंगी डोलाहमान चलायमान नहीं होंगे दिल से पुरुषात कभी डोला मन न होवे चलामान न होवे या किसी के बात के चिंतन में अपना समय बर्बाद करे सब अच्छे मेरा क्या जाता है उसमें मैं आपको बताया है हमेशा अंदर आएंगी कहां भी होंगी किधर भी होंगी मुझे क्या करने का है भगवान ने ये समझ क्यों दी है ये नहीं होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए ये अच्छा नहीं ये अच्छा है मेरा इसलिए बाबा ने मुझे सेवा नहीं दी है ये सोच में विचार में मेरी पर्सनल क्या उन्नति हुई मेरे से क्या किसको मिला मेरी क्या उन्नति हुई और मुझे आत्मा को जो परमात्मा ने दिया औरों को क्या मिला बच्चा हूं भगवान का रियली really किसको लगे ये भगवान का बच्चा है इसमें लौकिकता भगवान के बच्चे में अलौकिकता बहुत है जो भगवान का आज बोला लौकिकता को अलौकिकता में चेंज करो जो लौकिकता का मात्र भी भाषा में भावना में दृष्टि में जरा सा भी साधारणता न हो पर और आया प्रैक्टिकल की बात है जितना हम अंदर ही अंदर अपने आप को जैसे एक रात में बाबा ने क्या दिया है दूसरी तरफ बाबा का मेरे दिल में दिल में बाबा का दिया हुआ मेरे दिल में है या और कुछ दिल में है जब दिल में वो बातें हैं तो मैं लगेगा मैं दिल वाला मंदिर में रहती हूं बाबा के साथ तपस्या कर रही हो ये सुख है बाबा कहते हैं तुम बच्चों का यादगार है दिल वाला मंदिर ऐसे अंदर ऐसी फीलिंग है मेरी संगम पर हमारा यादगार मंदिर है इतना अच्छा मंदिर बनाया है पर हमारे हमारा मंदिर है मेरे ख्याल में मैं एक ही बार दिलवाला मंदिर में गई हूं बाबा ने कहा बच्ची जाओ देख करके आओ तुम्हारे कोठी कहा है वहा मेरे यहां बहुत करके कोई और बात तो मैं गई नहीं पर बाबा ने कहा जाओ दिलवाला मंदिर में अपनी कोठी देख करके आओ है तो ये बाबा ने भगवान ने कहा मेरा अंदर पक्का है मेरा यादगार मंत्र है बच्ची कभी पुष्कर देखा है मुझे कभी ख्याल नहीं होता था मैं कोई पुष्कर में जाऊं जाओ, जाओ बच्ची देख करके आओ एक ही तो पुष्कर जो है ना यादगार मंत्र है ऊपर स्वर्ग रखा है पूरा स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है कितना बाबा याद दिलाता है तुम कौन हो मैं पूछूं मैं पूछूं मैं कौन हूं बाबा हर मोली में बताता है बच्चा तुम कौन हो तुम मेरे बच्चे हो मेरे बच्चे हो जानते हो ये भी जानते हो ये भी जानते हो ये भी जानते हो पर मैं कहूं हां बाबा आपने बताया अच्छी याद दिलाई अच्छा 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 और ये अनुभव है इस अनुभव की शक्ति इतनी सारी लाइफ में ब्राह्मण लाइफ में बड़ी अच्छी मदद है जैसे परमात्म शक्ति ब्राह्मण लाइफ में जो मिलती है हमारे लिए तो बहुत अच्छी पर निमित्तम बच्चों के द्वारा अनेकों को ये लाइफ मिलती है सत्यु की स्थापना कैसे होंगी हा? हम बच्चों के द्वारा ही बाबा कहते हैं तुम बच्चों का पूजन क्यों है तुम बच्चों ने सत्यु की स्थापना की है बाप ने लायक बनाया है पर हम लायक बने हैं और संगम पर यही भावना है बस की संसार कैसा होगा कलयुग युग में लोगों को दिखाई पड़े ये ये युग है ये सचुग है जयंती को थोड़े शब्दों में सुना है डेढ़ घंटा मैं दिल्ली के वहाँ बैठी थी बैठने को मिला वहाँ लांच पे लेकिन ऐसा लगा कहाँ चली जाऊं किधर जाऊं टीवी इतनी सामने ऐसी खराब आंखें बंद करके बैठूं तो समझेंगे शायद बीमार या नहीं दाती है इसको लोग सारा दिन इतनी खराब चीज है इतना खराब है कैसे लोग टीवी देखते हैं बनाने वाले तो चलो उनका धंधा ही ये है पर देखने वाले मेरी आंखें पर ऐसी को ना ढूंढा मैं ऐसे बैठूं तो टीवी इधर हो वे वो उधर कोई आवे जावे वो भी कौन सा है आवे जावे वो भी ध्यान रखेगी वो देखे तो ये कौन बैठी है कोई बुढ़ी तो माता तो नहीं बैठी हुई है झुटका खा रही है ये भी तो दिख रहा है अच्छे अच्छे लोग मैंने कहा सीएम वहां था का? ये तो गवर्नर बैठा है यहाँ हिमाचल का अभी वो भी मुझे देखे मैं टीवी देखू या वो मुझे देखे मैं क्या देखू क्यों बताती हूँ अपन को देखने चाहिए तो मैं कौन हूँ बाबा जब आता है जो हम सामने बच्चे बैठे हैं, उनको भी सामने देखता है जो दूर बैठे हैं, उनको भी सामने देखता है सबको सामने देख करके समझाता है तो ये भी अपन को देखना मैं जहां भी हूं बाबा मेरे सामने है मैं बाबा के सामने हूं मैं थोड़ा अंदर सही पुरुषार्थ की तरीका यहां बाबा के सामने हूं तो भी भाग्य सा जहां भी हूं बाबा मेरे सामने है मैं बाबा के सामने हूं मैं कौन हूं बच बाबा की हूं स्टूडेंट लाइफ है बाबा ऐसा मिसाल बना रहा है तो कोई कह सुनना था अभी देखा ब्रह्मा कुमारी कौन है अभी देखा सारी विश्व को देखते हैं ये बाबा के पास प्लान था हम बच्चों को पढ़ाने का हर कोने से विश्व के हर कोने से कैसे निकल आए हर कोने से हर बच्चे को पता चला मैं कौन हूं किसका हूं कलब पहले वाला हूं कौन हूँ किसका हूँ कल पहले वाला हो अब क्या करना है समेटना है समाना है सफल करना है समझ गए क्या पुरुषार्थ करने वाला भाई आपने क्या पुरुषार्थ किया है क्या सेवा की है जयंती क्या सेवा की है किसने कुछ नहीं किया है बाबा ने जो दिया है तुम जा के वहां बैठो जाओ देख करके हमारे से भी जा समेटना फिर से बोले समर्पण समर्पण क्या हो जाए मेरा क्या रखा है कितना मिल रहा है ये रखा ही क्या है क्या दे रहे हैं बाबा बाबा क्या करेगा मेरा सफल कर देगा चलो तेरा होगा तो तुम तो कहेंगे परा रहे सफल कर देंगे तो परा रहे तो बुद्धि तो नहीं जाएंगे ना इसे शुरू में ही यज्ञ के हिस्ट्री के, के अंदर जो कुछ आया यज्ञ में आया आटे की बोरिया आ गई सबके पेट में ना चला गया पैसा तो रहा ही नहीं अनाज आया घी आया शुगर आई हलवा बना भोग बना बाबा को भोग लगा सभी ने खाया पैसा कहाँ गया पर कैसे कैसे पैसा आ रहा अरे सबके पेट में गया बहुत अच्छा हो गया फिर मेरे को सारी उम्र तो मेरे को गारंटी है चौरासी जन्म खाने को मिला है अंत में जन, अंतम जन्म में भी ख्याल नहीं आया कभी मैं कहाँ से खाएंगी आंख दिखाई होंगी बाप को तू नहीं खिलाता भगवान खिलाता बाबा के पास आई तो भी ये नशे से मैं भगवान खिलाएंगा तो अब जो भगवान खिलाता है ना ऐसा खिलाता है।, है जो कभी ये खमाने ये भी बाबा ने कहा था और हम कौन दर से है कभी पैसा कमाने का ख्याल नहीं आया होगा सारे कलब में गारंटी है कलब पहले की स्मृति मेहनत करना हमारा काम है माली का काम सबसे अच्छा खुद फल नहीं खाता पर सब फल खावे उसकी उसको खुशी बहुत है समय अनुसार उसने बीज बोया टाइम नहीं गंवाया उसकी देखभाल अच्छी तरह से की कभी मैलमारी में बैठ नहीं गया अपना कुटिया वहां बना के रखा जहां देखभाल करता रहे करता रहे माली का मालिक के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होता है पर हमारा माली है बाबा ने पहले कहा तुम फूल बनो जी पहले कमल का फूल बनो फिर गुलाब का फूल बनो तो सब देखे खुश अच्छे है कांटा किसको न लगे पर फूल दिखाई पड़ा तो कहा माली तो बनी नहीं हो अरे मैंने तो समझा मुझे माली भी बनना पड़ेगा बाब बाबा आओ बच्चे बगीचा त्यार है त्यारे बाबा आवे अरे बगीचा था आप अपने एम आई मैं कौन हूं कमल का फूल हूं गुलाब का फूल हो अच्छा ये हो गया अभी माली का काम किया प्रमोद भाई क्या समझता है माली क्या करता है बेचारा ने मित्र सुदा होता है सिंपल बहुत अब मैं हिमाचल से हो क्या इतने मेहनती है इतने मेहनती है, है सब खेतियां बारियां इतनी अच्छी 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 निकल रही है खुश बहुत है जो मेहनत का दिख रहे सब हवा पानी सबको अच्छा मिले और घर इतने सिंपल बने हुए हैं खुश बहुत है तो सबसे बड़ी अच्छी जाब है माली मैं कौन हूं मालिक देख खुश होए मेरा माली माली अच्छा फुल वाली भले पत्ते टाली टाल है वो भी उसके बगैर भी गाड़ी नहीं चलेंगी बगीचे में से फूल नहीं होते है हाँ। क्यों क्या नहीं कहता है ओडिशा हाँ। में खाजू के झार देखे क्या वंडरफुल खाजू के झार इतने बड़े 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 इतने अंदर से डीप ताजा खाजू खा के देखे ये खा के देखे ये खा के देखे हमारे कोई पता नहीं अभी भूल भी गया अपने बगीचे में खाजू की झार लगे पड़े है कितने खुश होते हैं है। मैं कौन हूं फिर भी आओ कम से कम मैं खुश रहूं मेरे को देख के सेवा को देख कोई खुश हो जाए मैं ऐसे नहीं मेरी शिवा, शिवा। अरे खुश हो बगीचे को देख, देख। बाबा का बगीचा है बाबा ने अच्छा आ, कभी का बीज मम्मा बाबा का परा हुआ आज शिवाय कहाँ तक बीज मम्मा बाबा का परा हुआ डायरेक्ट बॉम्बे दिल्ली पंजाब यूपी कहाँ कितनी वृद्धि और अभी हम कहाँ से अभिमान दिखाते हैं तना में रहते हैं क्या जरूरत है तनाव में रहने की मेरे मम्मा बाबा ऐसे रहे हम सोच रहे हैं जरा भी तनाव बीके को होना माना वैजंती माला में आने की असल कैसे टिकट मिलेंगे कैसी छुट्टी मिलेंगे विजय माला में आने की कोई भी प्रकार की बाबा खेचा ताना हो दिमाग पर खेचाता न हो पर नो क्लियर हो स्पष्ट हो ये करना है अब करना है जो नहीं करने योग्य नहीं करना है ठीक है अच्छा और कोई जो कर रहा है अच्छा मेरा काम है यथाशक्ति जितना उनको संयोग मिले सेवा में चाहे याद में रहने में फर्ज कहता है फर्ज है ये परिवार है ना जहां जाए यह भी एक अच्छी मैं हाँ भी शब्द नहीं कहेंगी सच्ची भावना होनी चाहिए जहां जाए ना भले जाए अकेले आज जैसे मैंने किसको कहा तुम तो समझ मैं कह देती हूं एक महीने में तुम दस जनों को तैयार करेगा मेरे को अनुभव है जाएंगे अकेली एक महीने के अंदर दस जने तैयार नहीं हुए क्लास में दस जनों ने आना शुरू नहीं किया तो टीचर कहेगी एक मंथ एक साल के अंदर सौ जने तैयार हुए तो क्या किया सच्ची दिल से ज्ञान सुनाने वाले तीन सौ पैंसठ दिन में तीन सौ पैंसठ दिन को मैं अच्छे ब्राह्मण तो बना के दिखावे ऐसे अपन को अच्छा समझना किसकी दिल से दुआ तो निकले भाई आज मैं बड़े मेरे पैसे कैसे ये पहुंच गए हम कहेंगे बाबा ने भेजा समय पर मेरे पास आ गए मेरे को बहुत फरदार जैसे सेवाधारी की हर कदम में सेवा है पर सेवा में सच्चाई पुरुषार्थ में अपने अपने आप को सच्चा बनाने का पुरुषार्थ दूसरे सच को देख उसको बाबा की खेचो गाड इज ट्रुथ भगवान सत्य है बर्ब अनुभव हुआ भगवान सत्य कैसे वह पता चला संग से तो वहां ऐसा संग लगा वहीं बैठ गए फिर वापस नहीं आए जिनकी सेवा की ना उनके सेवाधारी बन गए अधीन हो गए ये भी सूख्म चेंज अपन में कभी मैं किसके अधीन न बनू न मेरे अधीन कोई रहे ना, ना। की ऐसे नहीं मैं चली जाऊं तो गुम हो जाए ना ना मैं मेरे हाथ में तो इतने आते थे नहीं हूं ना तो नहीं आते हैं ये भाषा नहीं हो सकती कमल फूल का जो है ना स्पष्टीकरण बहुत है न्यारा बने फिर गुलाब का फूल जो कई सेवाएं देता है गुलाब का फूल कमल का फूल सेवा नहीं देता है पर मिसाल है और के लिए मिसाल बन सकते हैं कमल का फूल मिसाल है तुम भी ऐसे बनो ना न्यारे बनने से परमात्म प्यार की शक्ति लेंगे न्यारे बनने के बिगड़ परमात्म के प्यार की शक्ति नहीं हो वो रचना है वो रचना से भी न्यारा है फिर भी आज घरी घरी पूछ रहे हुए माए मैं कौन हूं सच सच कोई पुरुषार्थ करिए तीन दिन चार दिन में बरा से पता चलेगा मैं कौन हूँ गुलाब का फूल है ना तो फूल तो एक तो नहीं होता है ना शुरू हो गया बगीचा तो मालिक की बाबा ने ऐसा रोज गार्डन अच्छा बनाया है निमित्त किसको बनाया बाबा ने कहेंगे बाबा का गार्डन है, खुदा का बगीचा है पर निमित कौन भाई ऐसा अच्छा सुंदर गार्डन मधुबन क्या लगता है सुंदर बगीचा लगता है ना है। कोई नहीं कहेंगे मेरा है, बाबा का है, बाबा का है, है, बाबा का है। तो फिर भी आएगा मैं कौन हुँ? जिसमें मेरा पन की अंश न हो अपमान के अंश न हो वो हूं मैं उसमें बहुतों के बीच में हूं या अकेली हो कोई अकेले होते भी उसको फुर्सत नहीं है अपने देखोग को देखो। इसमें टाइम अपने आप को अपन को देखने का कोई खास टाइम नहीं है पर देखने अच्छा देखने से ही आगे बढ़ते हैं लगता है उन्नति को पा रहे हैं जो अपने आप को देखते नहीं है उन्नति को नहीं पा रहे हैं ना उनको देख करके किसी उन्नति होती है जो हमारे शुरू शुरू की बात आती एक दो को सावधान करके उन्नति को पाओ यानी देख करके उन्नति को पाओ बहुत है ओके okay? अभी तो टाइम हुआ बाकी भाव ये है मेरा भाव भावना ये है अपन को देखने में बर्रा हर्ष तो मुख रहेंगे सदा चेहरे पर जो ऐसे ना ऐसे पता नहीं चेहरा कैसा कैसा हो जाता है थकावट का मेहनत का ये ना ना है, मैं कौन हूँ ऐसे एक से कर ये ये चमके चमकता हुआ स्टार वो पीछे होंगी पर सफलता बं है पुरुषार्थ में सफलता शिवा में सफलता जान जाओ सफलता 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 तो मैं कौन हूं अपन ये कौन है ये कौन है जो इसी चिंतन में रहता है वो मैं कौन को पता ही नहीं है मैं कौन हूं जितना समय और किसी को दिल में सोचा रखा उतना समय अपने को भूला तो याद करने की मेहनत करनी पड़ती है और को देखने की मेहनत नहीं है वो तो अपने आप दिखाई पड़ता है ना पर वो दिल में याद रहता है ना अपने आप वो दुनिया ये वो मेरा क्या हर का परपाट ड्रामा की नाली जो अच्छी है पापा ने समझा दिया है पर मुझे संगम जो की स्मृति रहे ये भाग्य है बाबा याद रहे मेरा भाग्य संगम जो की स्मृति रहे भाग्य रहे समेट के सारा सफल करके तैयार बैठे हैं घर जाने के लिए तो दरवाजा खोले पहले मैं जाऊंगी खोलेगा बाबा पर मैं तो रेडी रहू ना मैं पहले घुस जाऊ कुछ काम रहा हुआ ना हो ये अपन को साइलेंस में चेक करना है दरवाजा खोले तो मैं पहले जा सकती हूँ या कुछ पूछताछ हो जाएंगी ना ना नहीं ओके